हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सो हेयर हेयर इट इज, एक बच्चे ने ऊपर पूछा हर्षवर्धन ने कि सर, अगर टोटल सिलेबस 230 आवर्स का है, सो कितने आवर्स हर लेक्चर में होंगे? बेटा, डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसा नहीं है कि 230 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ करोगे तो हर लेक्चर सेम आवर्स का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेंटेटिवली देयर वुड बी अराउंड 85 to 90 लेक्चर्स। कोई एक लेक्चर 1.5 आवर्स का भी हो सकता है, कोई एक लेक्चर 2.5 आवर्स का भी हो सकता है। सो टेंटेटिवली आप ये मान के चले कि ऑन एन एवरेज कोई लेक्चर लगभग 2 से 2.25 घंटे का होगा। हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो सकता है उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कुछ लेक्चर्स 3 घंटे की भी जाए, बट ऑन एन एवरेज 2 से 2.25 घंटे के लेक्चर्स होते हैं लगभग। अब जैसे मैं स्टार्टिंग की क्लासेस ले रहा हूं तो वो 1-1 घंटे की क्लासेस ले रहा हूं, तो ऐसे कैसे हो पाएगा फिर? तू 230 आवर्स के लिए फिर क्या 230 क्लासेस लगेंगी क्या? नहीं, इन टोटलिटी देयर वुड बी अराउंड 90 लेक्चर्स, राइट? अब मैं 90 लेक्चर्स को भी, इसीलिए मैं 90 लेक्चर्स को भी मैक्सिमम बोल रहा हूं। एडवांस अकाउंट्स में मैं इसी को कर देता हूं 72, जबकि एडवांस अकाउंट्स का कोर्स ज्यादा है, ठीक है? फिर भी मैं अकाउंट्स में ज्यादा लेक्चर्स लेता हूं। उसका रीजन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये कि अकाउंट्स आपका पहला सब्जेक्ट होता है। सीए फाउंडेशन के बाद हम नए लेवल पर आ जाते हैं, हम अपना लेवल बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लेवल को मैच करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो जब मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो ये सोच के पढ़ाता हूं कि बच्चे ने तो पहले कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, तो जहां मुझे 4 क्लासेस लगनी चाहिए वहां मैं 2 क्लास और लगाने की कोशिश करता हूं। पर जब मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो ये सोच के पढ़ाता हूं कि चलो एटलीस्ट उसने अकाउंट्स ग्रुप 1 कहीं से तो भी पढ़ा तो है ना, तो इसीलिए क्लासेस टाइम अपने आप कम हो जाता है। आप ये समझो कि स्टूडेंट की मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाती है सेकेंड ग्रुप के अकाउंट्स को करते वक्त, बस ये रीजन है। चलिए, तो ये एक मैसेज मुझे आप सबको देना था। प्रिंकल चावला, थैंक यू सो मच, गिव अवे के लिए आपने बोला थैंक यू, तो मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। एक छोटी सी क्वेरी आ रही है, अगर आप लोग अगर आप लोगों को पता है कि मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया है, किस चीज का गिव अवे मैं आपको दिखा देता हूं, वेट अ मिनट। बच्चों, मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, ये है मेरी सीए, एक सेकेंड रुक जाओ, ये है मेरी सीए इंटर की चार्ट बुक, थोड़ा बड़ा है चार्ट बुक, ठीक है ना, इस तरीके से ये ओपन होती है। ये अभी मैं आपको, शायद आप अगर हो सकता है शायद ना देख पाए अच्छे से, ठीक है? तो ये मेरी सीए इंटर की चार्ट बुक है, और वैसे ही ये मेरी सीए फाइनल की चार्ट बुक है, ठीक है? ये मेरी सीए फाइनल की चार्ट बुक। मेरी ये जो चार्ट बुक आती है वो लगभग 300 से 500 रुपए के बीच की रहती है, 300 से 500 रुपए के बीच की रहती है। मैंने ये गिव अवे अनाउंस किया है, ये मैंने गिव अवे अनाउंस किया है अपनी तरफ से कि मैं अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि मैं अपनी तरफ से ये बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूं। वी स्मार्ट और मैं मिलके हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ शिपिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा 50 रुपीज का। मैंने बेसिकली इसको ये बोला है कि मतलब गिव अवे तो बहुत होते हैं, गिव अवे तो बहुत सारे होते हैं, हर किसी का अपना अपना आइडिया होता है। मेरा प्राइम मोटिव था कि यार विद्या दान की जाए ताकि सब बहुत सारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए और मेरे बजट में भी आ जाए। सो मुझे सबसे बेस्ट आइडिया ये लगा कि मैं अपनी चार्ट बुक आपको प्रोवाइड करूं, जो कि कहीं ना कहीं मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है। सो ये जो गिव अवे है इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि सर, हम अगर आपके लेक्चर्स परचेज करेंगे तो ये बुक्स हमें मिलेंगे कि हमें भी ये गिव अवे वाली खरीदनी चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लेक्चर परचेज करने का सोच रहे हो तो आप बुक्स पर, आप ये गिव अवे पे मत जाइए। आप लेक्चर के साथ साथ आपको सारा बुक सेट मिलेगा, तो आपको ये चार्ट बुक भी साथ साथ मिलेगा, तो फिर अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? तो यही मेरी एक पॉइंट पर एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि बच्चों, अगर आप लेक्चर्स प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर अगर आपने लेक्चर्स ऑर्डर कर लिए हैं, तो आपको अलग से इस गिव अवे वाली बुक को परचेज करने की जरूरत नहीं। 50 रुपए भी मत खर्च करो, आप
को जो बुक्स मिलेंगी लेक्चर्स के साथ उसमें चार्ट बुक अवेलेबल होगी, ठीक है। चलिए और बताइए, ये पॉइंट तो पॉइंट रहा, क्लियर हो गया। अब बताइए आगे बढ़ सकते हैं अपन आज के लेक्चर में। हाँ जी, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, सिर्फ बुक्स मंगाए हैं तो उसमें भी है क्या चार्ट बुक? यस, उसमें भी आपको चार्ट बुक मिलेगी। अगर आपने सिर्फ बुक सेट मंगवाया है, जो कि हमने भी आपको बोला था कि अगर आप अभी क्लासेस परचेज नहीं भी करना चाहते हो, यूट्यूब पे क्लासेस साथ साथ देख रहे हो, आप सिर्फ बुक्स मंगवा लीजिए 500 प्लस शिपिंग कॉस्ट में, तो आपका काम हो जाएगा। तो उस बुक सेट में भी आपको ये चार्ट बुक दिया जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है सर, नवंबर 21 स्टूडेंट्स कैन टेक इट। नवंबर 21 अगर ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने स्पेशली वीडियो में बोला है कि जैन 21 मई 21। मैं क्या करता हूं, अपनी बुक्स का प्रिंटिंग जब करवाता हूं तो वो लिमिटेड स्टॉक की प्रिंटिंग करवाता हूं, आने वाले 6 महीने का सोच के, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कुछ मुझे चेंजेस करने पड़े, कुछ मैं अपडेशंस करूं बुक्स में, इसीलिए। तो मुझे नवंबर 21 में प्रोबेबली जो चार्ट बुक दी जाएगी नवंबर 21 में, मतलब आज से 2-4 महीने बाद, तो वो अपडेटेड चार्ट बुक हो सकती है। उसका हो सकता है कवर पेज भी बदला हुआ लगे आपको मिले, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली में लक्ष्मी नगर सेंटर है। सर अगर डायरेक्ट नहीं बेटा, आपको सिर्फ ऑनलाइन, बेटा मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला है, आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है ना, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है। सेंटर्स को शायद चार्ट बुक नहीं दी गई है फिलहाल, सेंटर्स के पास चार्ट बुक नहीं है, क्योंकि अगर आप सेंटर के पास जाओगे तो हो सकता है आप को सेंटर बोले कि नहीं मेरा तो सेट के साथ है, मेरा सेट खराब हो जाएगा, या आपको वो बोले कि चलो 2-4 दिन रुक जाओ, आपको 4 दिन रुकने को बोल दे, और उस 4 दिन में हो सकता है वेबसाइट पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। कंप्लीट बुक सेट तो ले सकते हो, डोंट वरी, कंप्लीट बुक सेट में कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट बुक सेट तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। अपडेशन इन द सेंस कि मैं, मान लीजिए मुझे कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी कहीं पर, कुछ करेक्ट कर लिया, एक आध चार्ट में मैंने कुछ हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए, उस टाइप के अपडेशन रहते हैं, बट ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बुक सेट मिल रहा है तो डोंट वरी, आप ले सकते हो। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या बातें की थी, हम उन पे आ जाते हैं बच्चों। फाइनली हम लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं अपनी बातें, टेक्निकल सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में ये चार बातें पढ़ी थी, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ठीक है। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट को, मेजरमेंट मतलब उस ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते टाइम इनिशियली मेजर करना, और बैलेंस शीट डेट पर सबसेक्वेंट फिर से उसकी वैल्यू को चेक करना कि क्या हमें उसका कोई वैल्यू बदलना तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट में इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, दो चीजें होती हैं। प्रेजेंटेशन जब हम अपने बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट्स लायबिलिटीज को, इनकम्स और एक्सपेंसेस को जब प्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, हमें उसको करंट में दिखाना है, नॉन करंट में दिखाना है, ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की जाए, हमें उसका रियल नेचर समझ में आए, रियल नेचर ऑफ द असेट और लाइबिलिटी, रियल नेचर ऑफ इनकम और एक्सपेंस समझने के लिए हमें प्रेजेंटेशन पर काम करना पड़ता है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब प्रेजेंटेशन तो कर लिया, पर हर चीज जो बैलेंस शीट में दिख रही है, वो हो सकता है हर चीज आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ना दे पाए, तो डिस्क्लोजर मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लाइक अकाउंटिंग पॉलिसीज बताना, आपने कौन कौन से एस्टिमेट्स लिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, और भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो होता है डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं हमें एक ही जगह पे, ठीक है। सो कुल मिला के ये चार बातें होती हैं। मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट तक आपको मुझसे स्टार्ट लेक्चर में कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, बट जैसे ही मैं टेक्निकल पॉइंट पे आ जाऊं तो आप कृपया करके मेरे टेक्निकल पॉइंट्स पे आ जाया करो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप एक चीज भूल रहे हो जो मैंने आपको रूल्स समझाए थे अपनी क्लास के।
मैंने आपको अपनी क्लास के रूल्स समझाए थे कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसमें बीच में अपने को बात नहीं करनी है। आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रूल्स समझाए थे। तो बेटा इन चीजों को ध्यान दीजिए, और आई कंसिडर दिस एज अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ द फैकल्टी, की मतलब फैकल्टी पढ़ा रहा है पर अपन बेवजह की फालतू फालतू चैट्स करते जा रहे हैं और बस हमें तो अपना आंसर चाहिए। आई कंसिडर दिस एज अ पर्टिकुलर डिसरिस्पेक्ट फॉर मी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप डिसरिस्पेक्ट करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गो अहेड, कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों पर ध्यान नहीं देने वाला हूं। फिर हमने बात की थी, व्हाट डू यू मीन बाय असेट। हमने असेट के रिगार्डिंग बात किया था कि भाई कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हमें अभी आपको असेट की डेफिनेशन भी बताऊंगा, लिखवाऊंगा। तो असेट का मतलब होता है कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या? मतलब कंट्रोल का मतलब यहां पर किससे था? कंट्रोल का मतलब था यहां पर ओनरशिप से। कंट्रोल का मतलब था यहां पर ओनरशिप से। सर ओनरशिप कैसी होती है? ओनरशिप लीगल ओनरशिप भी हो सकती है। सर लीगल ओनरशिप मतलब, अरे भाई मैंने घर खरीदा है तो मेरे नाम पे घर है, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है। दूसरा हो सकता है डीम्ड ओनरशिप। सर ये डीम्ड ओनरशिप कब आती है? जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए इसमें। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे घर जो था, प्रॉपर्टी जो थी, वो आपके दादा परदादा के नाम पर थी, पर अब वो सब तो चले गए, आप अकेले बचे हो वारिस इस प्रॉपर्टी के। तो बाय डिफॉल्ट आपको इनहेरेंट ये प्रॉपर्टी आपकी है आपके, हालांकि कागजात पे आपका नाम नहीं लिखा, बट आप डीम्ड ओनर हो उसके, तो भी आप माना जाओगे कि हाँ आपके लिए वो कंट्रोल, आप उसका कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, अगर मैंने कोई असेट लीज पर लिया है, कौन किस चीज पर लिया है? लीज पर। अब लीज भी अलग अलग तरीके से होता है, तो मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो ही एग्जाम्पल बस ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे को प्रॉपर्टी लीज पर मिली और प्रॉपर्टी की लाइफ है फॉर एग्जाम्पल 50 ईयर्स, और 50 ईयर्स में से मुझे लीज पर, 50 ईयर्स की लाइफ के लिए मुझे लीज पर दे दी गई, मतलब पूरी प्रॉपर्टी की लाइफ भी 50 ईयर्स है और मुझे लीज पर दी गया है 50 ईयर्स पे, लीज मतलब रेंट पर। तो टेक्निकली देखा जाए तो पूरे 50 साल के लिए असेट मैं ही यूज करूंगा, हालांकि देखा जाए तो मैं उसका लीगल ओनर नहीं हूं, तो भी मैं मानूंगा कि मैं डीम्ड ओनर हूं। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट वी कॉल असेट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब असेट को यूज करने से मुझे फ्यूचर में हो सकता है मेरा सेल बढ़ जाए, मेरा रेवेन्यू जनरेट हो, मेरा इनकम जनरेट हो, या मेरी कॉस्ट में सेविंग हो। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनकम जनरेशन या कॉस्ट में सेविंग दोनों चीजें कंसिडर होती हैं। इनकम जनरेशन और कॉस्ट सेविंग, इनकम जनरेशन और कॉस्ट सेविंग, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए आप। असेट की डेफिनेशन पर लिखिए बेटा, प्लीज असेट की डेफिनेशन लिख लीजिए, प्लीज आपको काम आएगा असेट की डेफिनेशन। आपको लिखना है असेट का डेफिनेशन, ये लिखा हुआ है, प्लीज असेट की डेफिनेशन लिख दीजिए, और उसके नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल क्या होता है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होता है, लिखिए प्लीज। प्लीज राइट इट डाउन। सभी बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं? मुझे हाँ या ना जवाब दें। और कॉपी आप लोगों ने मेंटेन किया कि नहीं किया? आपने कॉपी मेंटेन किया कि नहीं किया? जो कॉपी आपको मेंटेन करने को बोला था, अलग से एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए अकाउंट्स का। वेरी गुड, तो असेट मींस एनी रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। अब आप बोलोगे सर ये एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों लिखा है? मैं आपको बोलूंगा कि सोचो अगर तुम आज एक नया मोबाइल फोन परचेज करो खुद के लिए,
अगर तुम आज एक नया मोबाइल फोन परचेस करोगे खुद के लिए, तो बिल तुम्हारे नाम का बनेगा, तो तुम्हारा कंट्रोल हुआ, तुम उस मोबाइल फोन को खुद यूज करो, किसी को गिफ्ट कर दो, अपने एक्स मतलब अपनी सेटिंग को गिफ्ट करो, अपने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करो, अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करो, अपने मम्मी डैडी को गिफ्ट कर दो, खुद यूज कर दो, फेंक दो, किराए पर दे दो, वॉट एवर यू, इफ यू वॉन्ट, जो भी करना चाहो करो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, तुम कुछ भी कर सकते हो। और तुम्हें पता है कि यार ये फोन तुम कम से कम 2 साल तक तो चलाओगे, तुम फोन मिनिमम 2 साल तक तो चलाओगे, तो तुम जानते हो कि 2 साल तक मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट अचानक से ये फोन चलते चलते तुम्हारे हाथ से फिसल गया, गिर गया, और गिरा भी 20th फ्लोर से नीचे गिर गया, उसके अंजर पंजर ढीले हो गए, और वो फोन अब बन भी नहीं सकता, वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, खराब। और ऐसा ये हादसा कब हुआ? ये हादसा हुआ जस्ट 2 दिन बाद जब तुमने फोन परचेस किया। तो बताओ क्या अब तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे? नहीं। बट फिर भी जब तक ये हादसा नहीं हुआ था तब तक तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि कोई टेंशन नहीं है, हमें बेनिफिट 2 साल तक मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर बच्चों? क्लियर? कंट्रोल, जनरली कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओनरशिप। इट मींस एंटिटी कैन डू एनीथिंग, यूज, सेल, रेंट, ट्रांसफर, मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, एक्सेट्रा। यही जो मैं अभी आपको चीज बता रहा था, आप जो करना चाहो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने ये लिखा, आई होप आपने ये लिखा। फिर एफईबी, एफईबी मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम्स, रिडक्शन इन कॉस्ट, आपका कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, टैक्स सेविंग हो सकती है, फ्यूचर इकोनॉमिक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर बेटा? अब आप लिखेंगे लायबिलिटी की डेफिनेशन। लायबिलिटी की डेफिनेशन, अब आप लिखेंगे लायबिलिटी की डेफिनेशन। लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी विच इज टू बी सेटल्ड बाय द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हम समझेंगे एक एक करके मतलब पूरा कि इसका क्या मतलब होता है। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, 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 इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पूरा लिखना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और आउटफ्लो। हां जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हुज नेचर इज क्लियर। अच्छा, कोई बताएगा ऑब्लिगेशन मतलब? कोई बताएगा ऑब्लिगेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? गूगल मत करना, खुद से बताना है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? गूगल पे सर्च मत करना सर, खुद ही सोच के बताओ। गूगल तो बाद में आपको हेल्प कर ही देगा, गूगल तो बैठा ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, इंटेंशन, ड्यूटी। वर्ड ड्यूटी बोलना इज समहाउ यस कि हाँ लगभग ऑब्लिगेशन से मैच खाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, नो डाउट। फॉर्मेलिटी नहीं, ओए उमंग, फॉर्मेलिटी नहीं, ड्यूटी, जिम्मेदारी, लीगली बाउंड। अपन बोलते ना आई एम बाउंड टू डू दिस, आई एम बाउंड टू डू, मतलब मेरी मेरे मेरे को करना पड़ेगा ये, आई एम बाउंड टू डू डू दिस थिंग। सो
ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक बाउंडेशन, मतलब मेरे को करना पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी, मैं ड्यूटी बाउंड हूं, ठीक है ना। यस यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब क्या, लाइबिलिटी मतलब आपकी एक ड्यूटी है, किस चीज की ड्यूटी है आपकी, मतलब एंटिटी की, विच इज टू बी सेटल्ड। आपकी ड्यूटी ये है कि आपको कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, और वो सेटलमेंट किस फॉर्म में होगा, पैसा सेटलमेंट होगा, पैसे के फॉर्म में, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने ऊपर असेट में पढ़े थे, असेट में आपने पढ़ा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। आप जब असेट में, असेट की डेफिनेशन में थे, तो आप थे मुझे इनकम आएगा, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो आएगा, आ गया। लाइबिलिटी उन्हीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मेरे यहां से आउटफ्लो होगा, तो असेट में है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो होगा मतलब इनफ्लो होगा। लाइबिलिटी में मैं ड्यूटी बाउंड हूं, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना है, और वो सेटलमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो ऑफ द सेम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब मुझे सोच रहा था कि मुझे कैश आएगा, अब मैं बोल रहा हूं कि कैश जाएगा। मैं बोल रहा था मुझे मशीन मिलेगा, मुझे कुछ पैसा आएगा, वो सब जाएगा। सो बेसिकली दिस इज माई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अंडरस्टूड और नॉट गाइज, अंडरस्टूड और नॉट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स एंटिटीज इंटेंशन टू डिस्चार्ज और सेटल इज वेरी क्लियर। एंटिटी का इंटेंशन क्लियर है कि मुझे करना पड़ेगा, मतलब एंटिटी अपनी ड्यूटी जानती है, एंटिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती है कि यस वी नीड टू गो विद दिस। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फेस टू फेस क्लासेस तो होती नहीं है, फेस टू फेस क्लासेस तो होती नहीं है, बट हम एक फेस टू फेस क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका और मेरा। मान लीजिए मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस ही पढ़ा रहा हूं, आप फर्स्ट डे आए, आपने बोला कि यार फर्स्ट डे कोई फीस देता है क्या, फर्स्ट डे तो हम डेमो ज्वाइन करेंगे, हम देखेंगे सर के नोट्स कैसे हैं। तो मैंने आपको कुछ सैंपल नोट्स दिए, मैंने आपको पढ़ाया, और मैंने आपको बोला कि गाइस पहला दिन ही नहीं, आप 5 दिन तक मेरी क्लास में बैठ सकते हो, फेस टू फेस क्लास में। आप 5 दिन के बाद डिसाइड करना कि क्या है। आप लगातार 5 दिन तक मेरी क्लास में बैठे, 6th डे भी आप आके बैठ गए, तो मैं और मेरा स्टाफ क्या मानेगा कि मतलब वो ये क्लास ज्वाइन करने वाला है, मतलब ये स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करने वाला है। तो 6th डे आपने क्या किया, 6th डे आपने मुझसे बुक्स डिमांड की, आपने बोला सर बुक्स दे दो, मैंने आपको बुक्स दे दी। दैट मींस आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जिससे ये लग रहा है मुझे कि यस यू आर ड्यूटी बाउंड टू गिव मी द फीस। आप मुझे फीस दोगे क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, और आपका इंटेंशन वेरी क्लियर है कि आप तो मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आपने मुझसे बुक्स भी ले लिए, आप फीस पे करोगे। सो ऐसे केस में फीस पे करना तुम्हारी ऑब्लिगेशन बन गई, एक लाइबिलिटी बन गई। दैट लाइबिलिटी इज इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अंडरस्टूड और नॉट। सो लाइबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब इंटेंशन इज वेरी क्लियर, यस आई एम गोइंग टू पे दिट, पे दिस, आई एम गोइंग टू मेक द सेटलमेंट ऑफ सो एंड सो अमाउंट, आई एम गोइंग टू सेटल इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो ऑफ सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चल ठीक है, मैं कैश पे नहीं करूंगा तो मैं अपना मोबाइल दे दूंगा सर को, मैं अपनी रिंग उतार के दे दूंगा सर को, अंगूठा दे दूंगा, कुछ भी, मतलब मैं अब सर को किसी भी फॉर्म में पे करूंगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर। आउटफ्लो कैश में हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, एनी अदर फॉर्म में हो सकता है, तभी मैंने आपको बोला कि मैं कुछ भी दे दूंगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी। चलो बच्चों मेरे साथ असेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन एक साथ बोलिए, ठीक है ना। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो अब मेरे साथ असेट की डेफिनेशन बोलिए। सबसे पहले असेट मींस मतलब, असेट को पूरा बोलना है, एनी रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एनी रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। एनी रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, मोबाइल फोन, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैमरा, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। मेरे साथ साथ बोलेंगे फिर से, असेट मतलब एनी रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। फिर से बोलो मेरे साथ और चिल्ला के बोलो ताकि तुम्हारे घर वालों को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। जल्दी बोलो,
एनी रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। इस पूरी डेफिनेशन में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कंट्रोल, दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चलो लायबिलिटी की डेफिनेशन बोलो मेरे साथ साथ, घर वालों को सुनाई देना चाहिए। लायबिलिटी की डेफिनेशन बोलो मेरे साथ साथ, घर वालों को सुनाई देनी चाहिए। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट आई एम गोइंग टू पे दिस। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी विच इज टू बी सेटल्ड बाय आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी विच इज टू बी सेटल्ड बाय आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तुम्हारी ऐसी तैसी, जल्दी बोलो। से यस और नो हो गया अच्छे से। अब चलते हैं अपन इनकम पे। मैंने ऊपर एक इक्विटी वाला पॉइंट जानबूझ के छोड़ दिया है, उसको मैं बाद में आऊंगा, पहले अपन इनकम पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? सर इनकम क्या होता है? सर इनकम क्या होता है? बच्चों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे साथ प्लीज इस बेसिक्स के टॉपिक्स में चलते रहिएगा, बने रहिएगा। आप ये मत दिमाग में लाइएगा कि अरे यार ये तो बेसिक्स ही चल रहा है यार, कुछ स्टार्ट थोड़ी हुआ है, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। प्लीज ये भावना अपने मन में मत लाना। कोई भी सब्जेक्ट जब हमारे लिए नया होता है, जब भी कोई हम सब्जेक्ट नया स्टार्ट करते हैं, तो टीचर पूरी अपनी मेहनत करता है कि यार 4 से 5 दिन मैं पहले बच्चों पे काम करूं, ठीक है ना। आप यूं समझो कि अगर आप कोई गाड़ी परचेस करके आए हो, सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करके आए हो, तो आपकी भी मन करती होगी कि यार मैं उस गाड़ी को तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक मैं उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई ना कर लूं, या मैं जब तक उसकी अपने हिसाब से सर्विसिंग ना करवा लूं, उसके बाद ही मुझे गाड़ी चलाने में मजा आएगा। तो इट इज सेम कि मतलब जब मैं अपनी कोई नई बैच स्टार्ट कर रहा हूं, स्पेशली सीए इंटर में जो बच्चा आया है फाउंडेशन से, तो मैं वही चाहूंगा कि यार उसको पहले मैं सीए इंटर के हिसाब से उसको बनाऊं पहले। तो माइट भी आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगे, आपको लगे यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सर ये सब पता है हमें। टेक्निकली आपको भले पता होगा, पर आपको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में पता होगा। आपको मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज बी विथ मी फॉर स्टार्टिंग 3 to 4 days, 5 days। उसके बाद अपना जैसे जैसे एक एक चैप्टर स्टार्ट होता जाएगा, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगेगी, ठीक है ना। इनकम्स, इनकम्स को नोट करिए प्लीज, इनकम को एक बार नोट कर लीजिए प्लीज, इनकम को नोट कर लीजिए प्लीज। इनकम मींस इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाला जो शब्द है ना, ये बार बार आ रहा है। इनकम मींस इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इनकम मतलब क्या? कुछ भी ऐसा जहां पर आपके फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे, मतलब आपको पता है कि मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे फ्यूचर में। ड्यू टू इंक्रीज इन असेट। सर ऊपर आपने लिखवाया कि असेट मींस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, तो सर इसका मतलब हमें लगा कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो सर वो तो असेट हुई, तो सर वही चीज को वो इनकम क्यों बोल रहा है? अरे नलायक, हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, है ना। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड ऑफ द कॉइन, देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, हेड एंड टेल। वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो ये मेरे लिए असेट है, पर अगर ये बेनिफिट होगा तो मेरा ये इनकम भी तो होगा, उसका दूसरा इफेक्ट। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। पीडी में ये सारे लेक्चर भी होंगे, पीडी में एग्जिस्टिंग लेक्चर भी होंगे यूट्यूब वाले, और आगे वाले भी होंगे, ठीक है। हाँ, तो इनकम मींस इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अगर आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। या फिर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होना भी हमारे लिए अच्छा है। अगर लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब ये हमारा बेनिफिट। सर कैसे? एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए मुझे किसी क्रेडिटर को पे करना था 20,000 रुपीज, मुझे किसी क्रेडिटर को पे करना था 20,000 रुपीज, वो क्रेडिटर मर गया,
वो क्रेडिटर की डेथ हो गई और मुझे अब उसको पे नहीं करना है, क्योंकि उसके आगे पीछे और कोई नहीं है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरी कोई एंट्री भी नहीं दिख रही, मुझे उसको पे करना था पर अब मैं पे नहीं करूंगा। या उसने मुझे, मैं दूसरा एग्जांपल, मुझे उसको 20,000 रुपीज पे करना था, मैंने उसको 18,000 रुपीज पे कर दिया और 2,000 का मुझे उसने डिस्काउंट दे दिया, मैंने फुल एंड फाइनल 18,000 में सेटलमेंट किया, तो भी मुझे 2,000 का बेनिफिट हुआ, मेरी 2,000 से लायबिलिटी खत्म हो गई जिससे मुझे कुछ हुआ नहीं। सो दीज आर एग्जांपल्स वेयर योर लायबिलिटी इज गेटिंग डिक्रीज, दैट मींस यू आर गेटिंग बेनिफिटेड। सो इन एनी वे यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी असेट बढ़ रही है या फिर तुम्हारी लायबिलिटी गिर रही है। सेल की एंट्री क्या करते हो? अगर तुम्हें क्रेडिट सेल करना होगा, क्रेडिट सेल, तो बताना एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो, जल्दी बोलो नालायको, क्रेडिट सेल की एंट्री बोलिए, क्रेडिट सेल। बस बच्चे यहीं पे पता है शर्म से वो हो जाते हैं कि सर आप ही बता दो सर, ये सब मोह माया है सर, हम क्या बता के करेंगे, छोटी मोटी चीजें सर हम बताते नहीं है सर, सर ये छोटी मोटी चीजें मत पूछा करो, हमसे कुछ हाई फाई चीज पूछा करो सर। यस एंट्री इज राइट, जितने बच्चे बोल रहे हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आप देखिए ध्यान से इस एंट्री में, डेटर्स आपके कौन होते हैं, कह सकता हूं कि मैं आपके असेट होते हैं, डेटर्स आपके असेट होते कि नहीं, तो आपके डेटर्स डेबिट हो रहे हैं मतलब आपका असेट बढ़ रहा है, तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या है, आपका सेल बढ़ रहा है, तो यही बात इसको प्रूव करती है। तो इनकम मींस मतलब क्या, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब सेल ड्यू टू इंक्रीज इन असेट, क्योंकि आपका असेट बढ़ा, या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी, या तो आपका लायबिलिटी कम हुआ, अगर लायबिलिटी कम होता तो अभी डेबिट करते हैं, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? सो देखो यहां पर बेसिकली आपका असेट बढ़ाया गया तो आपका उसका दूसरा इफेक्ट आपको क्या दिखा, उसका दूसरा इफेक्ट दिखा कि आपकी इंक्रीज हुई, आपके बेनिफिट्स बढ़े, आपका सेल हुआ। अंडरस्टूड ऑर नॉट? सो फिर से, इनकम मींस इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है ना, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द इक्विटी मतलब कैपिटल, जिससे अल्टीमेटली आपका कैपिटल बढ़ जाए। अभी आप वर्ड इक्विटी मत पढ़ो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, आप सिंपली कैपिटल पढ़ो, क्योंकि आपको कैपिटल वर्ड जानते हो, आप फाउंडेशन में कैपिटल जानते हो कि कैपिटल मतलब पूंजी, ओनर का पैसा। क्या कह रहा है, इनकम मतलब कोई भी बेनिफिट जिससे वो बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन असेट, असेट के बढ़ने से आपको बेनिफिट हो, या फिर लायबिलिटी के घटने से अगर आपको बेनिफिट हो, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट यह हो कि आपका अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ जाए, अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ जाए, कैपिटल बढ़ जाए, अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। अब ये वाला जो येलो वाला पॉइंट है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, एक दो मिनट बाद, पहले यहां तक समझो कि उससे कैपिटल आपका बढ़ जाए, अगर उससे आपका कैपिटल बढ़ गया तो यह कहीं ना कहीं आपकी इनकम है। अब यह आपकी इनकम कैसे होगी, समझना समझना, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपसे डेटर की एंट्री पूछी, तो डेटर्स आपके बढ़े, असेट बढ़ा जिससे आपका सेल हुआ। अब आप मुझे बताइए सेल आपका कहां जाएगा, ये सेल आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में। जैसे ही आप इस सेल को ट्रेडिंग पीएनएल में डालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका अगर नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका यह नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, फाइनली कैपिटल में, और आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो असेट बढ़ी, ठीक है समझ आया, उससे क्या हुआ, उससे आपका सेल हुआ, क्या ये सेल मेरी इनकम है, चेक करते हैं, ये जाएगी मेरी ट्रेडिंग पेंडल में जिससे मेरे नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ा तो मेरा अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, कैपिटल। मतलब इनकम मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे आपका कैपिटल बढ़ जाए, दैट्स इट। 100 बात की एक बात, इसका पूरा अल्टीमेट सिस्टम, इसका मतलब यह हुआ कि इनकम मतलब कोई भी ऐसी, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, आपके घर पे आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है जो आपकी बजाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है कि देखो तुझे इसको आता है कि नहीं आता है, सीए कर रहा है ना तू बेटा, हाँ बता, ठीक है ना, हो सकता है आपके पापा पूछ ले, तो आप ये बोलोगे कि सर पापा भैया इनकम मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे अल्टीमेटली हमारा कैपिटल बढ़ जाए।
उसको अगर आपको और एलोबरेट करना है तो मतलब आप बोलोगे सर इनकम मींस इंक्रीज इन बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ विच इज इंक्रीज इन कैपिटल, जिससे अल्टीमेटली आपका कैपिटल बढ़ जाए, अल्टीमेटली आपका कैपिटल बढ़ जाए. गाइज हैव यू आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, जिससे अल्टीमेटली आपका कैपिटल बढ़ जाए. अब मैंने बोला कि आपका कैपिटल बढ़ जाए, मैं आपको इस पे एक पॉइंट बताना चाहता हूं. मैंने बोला कि आपका कैपिटल बढ़ जाए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी ने शेयर इशू किया, शेयर इशू की क्या एंट्री करते हो, शेयर इशू की क्या एंट्री करते हो, शेयर इशू की क्या एंट्री करते हो, जल्दी बोलो. सर देखो फिर से आपकी छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो सर, कुछ नया पूछो सर, ये सब फालतू सर हमने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, तभी तो पूछ रहा हूं. शेयर इशू की एंट्री क्या करते हो, शेयर इशू की क्या एंट्री करते हो. अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या सिर्फ एक ही एंट्री होती है, क्या सिर्फ एक ही एंट्री होती है, क्या मैं कह सकता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अल्टीमेटली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां पर भी देखिए कैपिटल आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल. अब ध्यान से देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, अब समझिए पहले. मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये एंट्री तो समझ में आ गई होगी, शेयर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मैं एप्लीकेशन पहले क्रेडिट होता है फिर वापस से डेबिट हो जाता है, अल्टीमेटली शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ होता नहीं है, मतलब होता नहीं मींस शेयर एप्लीकेशन मनी एक टेंपरेरी अकाउंट होता है. अल्टीमेटली शेयर इशू करने की एंट्री होती है कि नहीं, आप सब मानते हो कि नहीं, आप सब मानते हो कि नहीं, अल्टीमेटली शेयर इशू करने की ये एंट्री होती है कि नहीं होती है, टेल मी, शेयर इशू करने की ये एंट्री होती है कि नहीं होती है. अब ध्यान से मुझे बताइए कि अगर ये शेयर इशू करने की एंट्री होती है तो इससे क्या हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, मतलब आपका असेट बढ़ रहा है. कैन आई से इंक्रीज इन असेट, यस सर दिस इज इंक्रीज इन असेट. कैन आई से इंक्रीज इन असेट, यस सर दिस इज इंक्रीज इन असेट. कैन आई से दिस इज इंक्रीज इन कैपिटल, यस सर दिस इज इंक्रीज इन कैपिटल. फिर से पूछ रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, कैन आई से इंक्रीज इन असेट, हाँ सर असेट हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक पैसा बढ़ रहा है सर, हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, ये हमारी असेट है. दूसरा, कैन आई से इंक्रीज इन कैपिटल, यस सर. तो सर अगर असेट बढ़ रही है और सर असेट बढ़ने के साथ साथ उसका अल्टीमेटली इफेक्ट कैपिटल बढ़ रहा है, तो सर इसका मतलब ये हमारी इनकम है, सर हमारी ये इनकम है क्या? समझदार बच्चे आंसर दे सकते हैं मुझे, बताइए क्या मेरी इनकम हुई, क्या शेयर इशू करना मेरी इनकम हुई, क्या शेयर इशू करना मेरी इनकम हुई? दीपिका बेटा मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल की एंट्री पूछी, बात हो गई है, बन गई है, आप आगे अपन बढ़ते हैं. शेयर अलॉटमेंट मैंने ये नहीं पूछा कि एप्लीकेशन में कितना आएगा, अलॉटमेंट में कितना आएगा, फाइनल कॉल में कितना आएगा. मैं जानता हूं कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, मुद्दे पे आओ, क्या मेरी ये इनकम हुई? ऑब्वियसली समझदार बच्चा बोलेगा सर ये इनकम कहां से है, सर ये तो पैसा लगाया. तो ध्यान से पढ़ो इस एलओ वाले वर्ड को, पढ़ो जल्दी पढ़ो. अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स, पर याद रहे इनकम मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे अल्टीमेटली आपका कैपिटल बढ़े, एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स. कैपिटल तो आपका एडिशनल कैपिटल लगाने से भी बढ़ता है, कॉन्ट्रीब्यूशन से भी बढ़ता है, पर अदर देन द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स. जब आपने शेयर इशू किया था तो आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, कैपिटल तो उससे भी बढ़ता है, पर अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से बढ़ रहा है तो उसको इनकम नहीं बोलेंगे. तो अगर आपका कैपिटल किसी भी रीजन से बढ़ रहा है एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स, तो वो आपकी इनकम हो सकती है. अंडरस्टूड और नॉट? तो वो आपकी इनकम हो सकती है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? वो आपकी इनकम हो सकती है. गाइज हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? सो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि इनकम मतलब ऐसे कोई भी बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स हुए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन असेट और बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी. द अल्टीमेट इंपैक्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल, बट एक्सेप्ट और अदर देन इंक्रीज इन कैपिटल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स. अदर देन द इंक्रीज फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स से जो अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है तो वो आपका इनकम नहीं हो सकता, वो तो एडिशनल कैपिटल लगाया गया. एडिशनल कैपिटल लगाना बिजनेस में इज नॉट एन इनकम. गाइज अंडरस्टूड और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनकम? अब सोचो आप, अगर इस लेक्चर से पहले या एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि बेटा इनकम की डेफिनेशन बता,
तो शायद वो बता देगा, बट वो इस प्रॉपर डेफिनेशन वाइज को समझे, मतलब इसको इसको लॉजिकली हो सकता है ना बता पाए, वो एग्जाम्पल देने लगेगा। मैं खुद बोलता हूं कि अगर मैं एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हूं और मुझसे मेरा टीचर पूछे बेटा इनकम की डेफिनेशन बता, तो शायद मैं डेफिनेशन ना मतलब बता के मैं इसको एग्जाम्पल बोलूंगा, सर कमीशन इज एन इनकम, सर सेल इज एन इनकम, ये। बट भाई डेफिनेशन क्या है, मतलब बेसिकली मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता, द इंपॉर्टेंट इज कि इनकम को कैसे डिफाइन करोगे तुम। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई तुम चतुर की तरह डिफाइन मत करो, कम से कम रेंचो की तरह तो डिफाइन करो, थ्री इडियट्स। तो यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चतुर रामालिंगम बनो, यहां पर तुम इंपॉर्टेंट ये है कि रेंचो की तरह डिफाइन करना तो समझो कि भाई किसी भी चीज को इनकम कब बोलेंगे, जब अल्टीमेटली आपको बेनिफिट्स मिले, किस फॉर्म में, असेट के बढ़ने के फॉर्म में या फिर लाइबिलिटी के गिरने के फॉर्म में। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं जिससे आपकी असेट बढ़ रही है तो आप कह रहे हो मुझे भी बेनिफिट हुआ, या आपकी लायबिलिटी गिर रही है आप बोल रहे हो कि बेनिफिट हुआ, बट उस बेनिफिट से आपका अल्टीमेटली कैपिटल भी बढ़ने लगे तो वो आपकी इनकम हुई। पर याद रखिएगा आपका कैपिटल तो कॉन्ट्रीब्यूशन से भी बढ़ता है, उसको इनकम नहीं बोलेंगे, वो एक एक्सेप्शन है। आई बात समझ में कि नहीं बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड इनकम। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मतलब चैट में तो नहीं लिख रहे हैं पर उनका मन कह रहा है, काश सर हमें ये कह दें कि बच्चों एक्सपेंस की डेफिनेशन खुद लिखो। सर एक्सपेंस आप मत बताइएगा, एक्सपेंस की डेफिनेशन हम खुद लिखेंगे, ये आपका मन कह रहा है, ये आपके अंदर की भावनाएं चीख चीख के चिल्ला रही हैं कि सर रुक जाइए, एक्सपेंस तो हम लिखेंगे, बस हमें हिंट दे दीजिए। हाँ तो लो हिंट, एक्सपेंस की जो डेफिनेशन होगी वो इनकम की डेफिनेशन से बनाए बनाई जा सकती है, इनकम का जस्ट उल्टा एक्सपेंस होगा, आपको इनकम को देख देख कर एक्सपेंस की डेफिनेशन बनानी है, बनाइए। मैं बिल्कुल, मतलब मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कभी अपने बच्चों को नाराज नहीं करता हूं। अगर आपने मुझसे कोई चीज मांगी है तो मैं आपको जरूर दूंगा। आपने अभी मुझे ये बोला कि सर एक्सपेंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे, मतलब मजाल मेरी कि मैं मना करूं, मैं आपको बोलूं कि मैं लिखवाऊंगा? नहीं, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा बेटा, मैं कभी नहीं करता हूं ऐसा। लिखो बेटा जल्दी, एक्सपेंस की डेफिनेशन लिखिए अपनी कॉपी में और फिर आप मुझे लिखवाइए। सर अगर मशीनरी की कॉस्ट 10,000 है, उसको 12,000 में सेल कर दिया गया तो हमारी ये इनकम है, हमारी 2,000 रुपए की इनकम है, हमारी ये 2,000 रुपए की इनकम है। देवेश मैं तुम्हारे वाले पॉइंट पे जर्नल एंट्री के फॉर्म में आऊंगा, पहले एक्सपेंस वाला पॉइंट का डेफिनेशन हो जाए। वेरी गुड सुनीता, वेरी गुड आकांक्षा, ओ आकांक्षा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं अपन पहले, है ना बेटा? यश 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 यश, सॉरी मेरे को नाम लेने में वो हो रहा है प्रॉब्लम। यश, यश ने बहुत अच्छे से लिखा है, सबसे सही तरीके से। पारुल भी ठीक है, वेंकटेश, ताहा, पर अभी तक यश का मुझे सबसे सही लगा है क्योंकि उसने पूरा कंप्लीट लिखा, बाकी इनकंप्लीट डेफिनेशन लिख रहे हैं। अनुजा, गायत्री व्यास, गायत्री व्यास ने भी कंप्लीट डेफिनेशन लिखा है, मतलब एक यश ने कंप्लीट डेफिनेशन लिखा और एक गायत्री व्यास ने कंप्लीट डेफिनेशन लिखा। वेरी गुड बच्चों, तो एक्सपेंस मतलब क्या बोलेंगे? एक्सपेंस मींस डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू डिक्रीज इन असेट
और मैंने कॉपी में लिखा सर, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस और डिक्रीजेस द कैपिटल अदर देन क्या होगा, जल्दी बोलो, अदर देन क्या होगा, अदर देन ड्रॉइंग्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस टू ओनर्स। जब आप ओनर ओनर जब ड्रॉइंग करता है या फिर जब आप उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिविडेंड के फॉर्म में, तो आपका कैपिटल तो भी कम होता है, तो क्या ये आपका एक्सपेंस है? नहीं, ये आप एक्सपेंस नहीं बोलते हो। आई बात समझ में? कॉपी में लिखा है हमने सर, मैं कैसे मानूं? फोटो खींच के मेरे को चैट में भेजो, अटैच करो, फोटो खींच के चैट में भेजो। अच्छा मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है, जल्दी बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री क्या होती है, जल्दी बताइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या मैं इसको यह बोल सकता हूं, सैलरी पेबल? वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर मैं सैलरी पेबल बोल सकता हूं कि नहीं? अब देखिए इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है कि असेट बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बढ़ रहा है या क्या गिर रहा है? टेल मी, ये क्या बढ़ रहा है या क्या गिर रहा है? दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। और ये आपका कहां जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपके पी एंडल अकाउंट में, डेबिट साइड। ये पी एंडल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? आपके पी एंडल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। जब आपके पी एंडल अकाउंट में डेबिट साइड में सैलरी जाएगा, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम होगा। आपका नेट प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट गिरेगा तो अल्टीमेटली आपका कैपिटल क्या होगा, आपका कैपिटल गिरेगा। मतलब जैसे जैसे अपन एक्सपेंडिचर करते जाते हैं, जैसे जैसे अपन एक्सपेंसेस करते जाते हैं, वैसे वैसे अपना कैपिटल गिरता जाता है। जैसे जैसे अपनी इनकम्स होती जाती हैं, वैसे वैसे अपना कैपिटल बढ़ता जाता है। तो यहां एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं तो अपनी कैपिटल गिर रही है। आई बात समझ में? और क्या ये सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं? द आंसर इज यस। क्या ये सैलरी प्रोपराइटर निकालता है क्या, ड्रॉइंग की तरह? नो। क्या ये ड्रॉइंग है? नहीं। क्या ये हम ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? द पॉइंट इज कि यस, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस है। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? मैं आऊंगा दो इंपॉर्टेंट डाउट्स पे। एक डाउट देवेश का, क्योंकि मुझे इसका नाम याद आ गया। देवेश ने एक डाउट पूछा कि सर अगर मैंने असेट, जो कि मेरी 10,000 की कॉस्ट का असेट है, जिससे मैंने उसको सेल किया 12,000 में, तो सर मुझे बताइए मेरी इनकम है कि नहीं, और है भी तो कितनी, 12,000 इनकम है कि 2,000 इनकम है? आप सब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे, आप सब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे। टेल मी, जर्नल एंट्री क्या होगी असेट को बेचने की, असेट को बेचने की जर्नल एंट्री क्या होगी?
मैं देवेश के एग्जाम्पल पे वापस आ रहा हूँ, क्योंकि देवेश ने मुझसे एक एग्जाम्पल पूछा, मैं बात करना चाह रहा हूं उसके एग्जाम्पल पर। मुझे उसकी एंट्री बताइए क्या होगी। और इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल पे आऊंगा, मुझे बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा, उसने पूछा था सर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। तो वो बच्चा अगर मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझे वापस से चैट पे लिख दीजिएगा। बताओ एंट्री क्या होगी। सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू असेट, मतलब मशीन, मान लो मशीन है, टू मशीन अकाउंट 10,000। टू क्या हुआ, टू प्रॉफिट, इसको मैं बोलूंगा टू गेन ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल 2,000। और ये कहां जाएगा, पी एंड एल में। कोई मुझे बताएगा कि यहां मेरी असेट कितने से बढ़ रही है और यहां मेरी इनकम कितने से बढ़ रही है। कोई मुझे बताएगा यहां मेरी असेट कितने से बढ़ रही है, यहां मेरी इनकम कितने से बढ़ रही है। टेल मी, कोई मुझे जवाब देगा असेट कितने से बढ़ी और इनकम कितने से बढ़ी। मेरी असेट और इनकम कितने कितने से बढ़ रही है। आपको मैं बता दूं कि मेरा बैंक 12,000 बढ़ गया, मेरी असेट 12,000 से बढ़ गई, पर मेरी मशीन 10,000 से गिर गई, तो मेरी असेट 10,000 से गिर गई। तो देखा जाए तो मेरी असेट नेट नेट मेरी जो असेट है नेट 2,000 से ही तो बढ़ी। मेरी असेट नेट टू नेट 2,000 से बढ़ी ना भाई, 10,000 की मशीन गई तो 12,000 कैश आया, तो अल्टीमेटली मेरी असेट ओवरऑल नेट मेरी असेट जो है वो 2,000 से बढ़ी, और 2,000 से मेरा ये पी एंड एल में जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी इनकम कितनी हुई, मेरी इनकम 2,000 हुई। माई इनकम इज 2,000। मेरी इनकम 12,000 नहीं है, मेरी इनकम 12,000 नहीं है, 12,000 में से 2,000 मेरी इनकम है और बाकी 10,000 मेरी असेट बदल गई। पहले मेरी असेट 10,000 की मशीन थी, अब वो 10,000 की मेरी कैश हो गए और 2,000 कैश मेरा एक्स्ट्रा आ गया। तो जो 10,000 का मेरा कैश आया वो मेरा असेट पहले से ही था मशीन के फॉर्म में। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जो मुझे 10,000 जो आए हैं वो तो मेरे मशीन के फॉर्म में पहले से भी रखे थे, 2,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं मैं कहूंगा कि मेरी असेट 2,000 से बढ़ गई। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों, जल्दी बोलो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। आपने भी एग्जांपल अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा है ओंकार कुलकर्णी ने कि सर रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है। अब मैं दोनों चीजें बताऊंगा, सर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है और इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क है, ठीक है ना, इन दोनों में क्या फर्क है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, पहले मैं आऊंगा रेवेन्यू या फिर और इनकम में क्या फर्क है, रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है, ठीक है ना, रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क होता है। बेटा जनरली अगर कोर इसका डिफरेंस निकालें तो कोर डिफरेंस कुछ नहीं है, बट रेवेन्यू हमेशा ग्रॉस बेसिस पे माना जाता है। ग्रॉस रेवेन्यू हमेशा ग्रॉस रिसीट होती है, ग्रॉस रिसीट। जैसे आपने सेल किया, दिस इज योर रेवेन्यू, पर सेल करने से अल्टीमेटली आपका इनकम होगा, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आपने सेल किया होगा तो प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो इनकम जो होता है, इनकम मींस नेट, नेट मतलब आफ्टर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो ये हो गया आपका इनकम। सो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम, रेवेन्यू को हमेशा ग्रॉस फॉर्म में बोला जाता है कि भाई हाँ रेवेन्यू है मेरा, ठीक है ना, और इनकम मतलब नेट फॉर्म में कि मेरे पास अल्टीमेटली रेवेन्यू में से एक्सपेंस को अगर लेस कर दूं तो अल्टीमेटली मेरा कितना मेरे को बचा, मेरे को कितना फायदा हुआ। आई बात समझ में कि नहीं, मेरे को नेट टू नेट कितना फायदा हुआ, ये मेरा इनकम। इनकम मतलब अल्टीमेटली आपका फायदा, आपका प्रॉफिट, एंड इसको 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 ये भी बोल सकते हो, इट इज योर प्रॉफिट बेसिकली, प्रॉफिट
प्रॉफिट, गेन। आप इनकम मतलब आपके प्रॉफिट्स होते हैं, आपके गेन्स होते हैं। और रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस इनफ्लो, ग्रॉस रिसीट और इनफ्लो। आई बात समझ में कि नहीं? एग्जाम्पल सेल, अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर बेटा? सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेवेन्यू एंड इनकम। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्सपेंस, इन दोनों में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक इंटेंशन का फर्क है। बोलने पे तो मैं सैलरी को एक्सपेंस भी बोल सकता हूं और मैं सैलरी को एक्सपेंडिचर भी बोल सकता हूं। फर्क है सिर्फ वर्डिंग का, यूज करने का। फर्क सिर्फ वर्ड्स यूज करने का है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, फर्क है वर्ड यूज करने का। आपने देखा होगा इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबल होते हैं, जिनका मीनिंग अलग अलग निकलता है, जिनका मीनिंग अलग अलग निकलता है। आप इसको क्या बोलते हो? जब अपन बोलते हैं देयर, और एक होता है देयर, दोनों को वर्ड तो सेम बोलते हैं अपन, देयर और देयर, ठीक है ना? ऐसे पर इन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है। वैसे ही एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं, अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। बेसिकली जब मैं बोलता हूं वर्ड एक्सपेंस, तो समझ जाओ कि हाँ, मतलब ये चीज कहीं ना कहीं आपके पीएनएल में जाएगी, ये चीज आपके कहीं ना कहीं पीएनएल में जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? और जब मैं बोलता हूं एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आपके दो टाइप के होते हैं, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है और जो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आपका एक्सपेंस होता है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? सो एक्सपेंडिचर एक वाइडर टर्म है, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। अब जैसे मैंने एक असेट खरीदा, मैंने एक मशीन खरीदा, क्या मेरा ये एक्सपेंस है? आपको बोलने पर ही लगेगा नहीं यार, एक्सपेंस थोड़ी है। पर मैं बोलूं क्या ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ, मेरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब बोलने बोलने पे आपको समझ में आ गया कि हाँ यार, इन दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे। तो व्हेन वी से कि यार मैंने असेट खरीदा, तो इट इज नॉट माय एक्सपेंस, बिकॉज एक्सपेंस जनरली आपका हमेशा पीएनएल में जाता है, पर दिस इज माय एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है सर, व्हाई डोंट यू कम यस्टरडे? बेटा मैंने लिखा था, स्टेटस पे डाला था कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था बेटा। दर्शन सर ने, दर्शन चंडालिया सर ने भी अपनी क्लास में अनाउंस किया था, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था बेटा। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर या इलेक्ट्रिसिटी में बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा था। अगर आपको कभी भी पता करना हो कि मेरी क्लास अगर मान लो कुछ कैंसिल हुई है, तो आप मुझे या तो व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है ना, या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो में दे रखा है, आप वो ज्वाइन कर लोगे तो मैं उसमें अपडेट्स देते जाता हूं। मैंने पहले दिन भी बोला था कि ये बहुत जरूरी है एक सीए स्टूडेंट के लिए, कि उसको रेगुलर अपडेट्स मिलने चाहिए। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। आपको अगर पता पड़ गया कि यार आज की क्लास नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपना कुछ और प्लान कर लोगे। तो रेगुलर अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों में फर्क क्या होता है? ग्रुप में डिस्कशन होता है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हैं, बाकी बच्चे कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। पर चैनल पे बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, चैनल में आप कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर आपको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो आप चैनल ज्वाइन करिए। आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। ठीक है? क्योंकि अभी मैं टेक्निकल सेशन ले रहा हूं, तो अभी मैं पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बुक्स का प्राइस, कौन सी वेबसाइट, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं, ये सब बातें ना अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना? ये सारी बातें क्लास के बाद, ठीक है?
रिसीट्स को रेवेन्यू बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो यहां तक क्लियर, वापस आए तो आपने एक्सपेंस की डेफिनेशन मुझे बताई, इनकम्स की डेफिनेशन हमने कर ली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए प्लीज। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, नलायकों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां मेरा टेलीग्राम का चैनल, ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, फॉलो भी कर सकते हो मुझे, वाओ। ठीक है, इक्विटी इक्विटी नलायको, इक्विटी लिखो। इक्विटी, इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, नेट असेट भी कहते हैं, शेयर होल्डर फंड कहते हैं। इक्विटी को अलग अलग नाम से कहा जा सकता है, इन वेरियस प्लेसेस यू कैन फाइंड दीज वेरियस टर्म्स, वेरियस नेम्स। जैसे जैसे मेरा नाम, ऑफिशियल नाम जय है, JAI, ठीक है ना। मेरी बीवी मुझे प्यार से कुछ और बुलाती है, मेरी मम्मी मुझे क्या प्यार से कुछ और बुलाती है, ठीक है ना, और मेरे पापा मुझे प्यार से बुलाते हैं, ए गधे जरा, ठीक है ना। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए मेरा नाम अलग अलग है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरी बीवी मेरे को दो तीन नाम से अलग अलग बुलाती है, प्यार में बुलाती है तो अलग नाम लेती है, गुस्से से बुलाती है तो बिल्कुल ही गालियां देके बुलाती है। समझ में आया कि नहीं? इक्विटी का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको मिल सकता है, कैपिटल, अब नेटवर्थ, नेट असेट, शेयर होल्डर फंड। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ सर, हमारे साथ भी ऐसा ही है सर, हमारी सेटिंग हमें क्या बुलाती है ना, हमारी मम्मी हमें क्या बुलाती है, हमारे पापा हमें जूता मार के कैसे बुलाते हैं, ठीक है, फ्लाइंग चप्पल। पापा वाला लड़कों का तो सेम ही होगा, यस सेम ही होगा। अबे वो नालायक, अबे वो गधेड़े, इधर। बहुत सारे लोग इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने से। तो वैसे ही इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, नेट असेट भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। सर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब, रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई मतलब बताएगा प्लीज मुझे, रिजर्व एंड सरप्लस का कोई मतलब बताएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मुझे कोई मतलब बताएगा प्लीज। हाँ अरे दोस्त तो छोड़ ही दो, मैं इस क्लास में तो बोल ही नहीं पाऊंगा, फिर बीप 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 डालना पड़ेगा अपने को, है ना। हमारे दोस्त तो मतलब अलग ही तरीके से अपने को बुलाते हैं, और अपन भी उनको कैसे बुलाते हैं, ए इधर आ, ठीक है। अच्छा किसी ने बोला रिटेन्ड प्रॉफिट, सिमरन बजाज, वेरी गुड, सुहानी अग्रवाल, प्रॉफिट्स, ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स मींस प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी, प्रॉफिट्स व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी गुड, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर स्पेसिफिक जनरल पर्पस, वेरी गुड, रिटेन प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इनकम, वेरी गुड, अमाउंट अमाउंट पुट असाइड फॉर फ्यूचर कैपिटल लॉस, ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व मतलब फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रखना, रिटेन, वेरी गुड, सबने बोला, अच्छा बोला। मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस आज तक के, अभी तक के, शुरू से लेकर जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेकर अभी तक के, आज तक के कमाए हुए, अर्न किए हुए प्रॉफिट्स विच आर नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड, विच आर नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, अपने शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है,
है ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में, बोनस इशू करके, वगैरह वगैरह, वो आगे हम बातें पढ़ेंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स। मेरा काम क्या है, मेरा टीचर का काम क्या है, उसी चीज को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाना ताकि वो हर बच्चे के दिमाग में जाके बैठ जाए। बस मेरा काम इतना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों को आता नहीं है, आप लोगों को सब आता है, बट उस चीज को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके दिमाग तक पहुंचाना। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स जिसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस जस्ट उसका उल्टा। एक्यूमुलेटेड मतलब अभी तक के लॉसेस, कंपनी लॉसेस में है, अभी तक कंपनी लॉसेस में चल रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। बच्चों क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड इक्विटी। मैं इक्विटी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लिखो। इक्विटी मींस रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ कंपनी आफ्टर सेटलिंग ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज। मैंने आउटसाइड लिखा है, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा है। इक्विटी लिखिए इसको प्लीज। इक्विटी मींस रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटलिंग ऑल द लाइबिलिटीज। बोलिए, लिख लिया? अगर लिख लिया तो मुझे बताइए रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट में जो बचेगा सब सेटल होने के बाद, वेरी गुड, बचा हुआ पैसा, रिमेनिंग इंटरेस्ट, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, बचा हुआ अमाउंट लास्ट में जो बचेगा सब सेटल होने के बाद, बहुत बढ़िया, नेट इंटरेस्ट और लेफ्ट ओवर इंटरेस्ट, वेरी गुड, जो लास्ट में रहेगा, बहुत शानदार। सभी बच्चों ने बोला और बिल्कुल सही बोला। इक्विटी अब देखो इसको, इसको कहीं ना कहीं देखो, इक्विटी मतलब क्या, बचा हुआ। इक्विटी मतलब जो अंत में बच गया वो ही, इक्विटी मतलब जो अंत में बच गया वही। मैं दो बच्चों के नाम ले रहा हूं ऐसे ही रेंडमली, मैं दो बच्चों के नाम ले रहा हूं, सिमरन और मुकुल। मान लीजिए सिमरन जो है वो हमारा एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, मतलब मैंने उससे लोन लिया है, और मुकुल जो है, मुकुल ने कंपनी में शेयर, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए, मतलब मुकुल ने कंपनी के शेयर कैपिटल किए लिया है। अब सिमरन और मुकुल में क्या डिफरेंस है? सिमरन से मैंने लोन लिया है, मुकुल से भी मैंने पैसा लिया है, पर मुकुल से जो मैंने पैसा लिया है वो शेयर्स के फॉर्म में लिया है। सिमरन और मुकुल में क्या डिफरेंस है? सिमरन मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे उसको अमाउंट रीपे करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। पर मुकुल अगर मान लो मेरे पास आता है कि सर मेरा पैसा दो, और मैंने अभी तक अगर सिमरन को पैसे नहीं दिए तो मैं मुकुल को नहीं दे सकता। मैं मुकुल को बोलूंगा चुप रहे, शांत रहे, जाके उधर कोने में बैठ जा। अगर पैसा बच गया सिमरन को देने के बाद, वो देखना पड़ेगा ना मेरे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। अगर पैसा बच गया तो मैं तेरे को दे दूंगा, अगर नहीं बचा तेरी ऐसी की तैसी, तू कुछ बोल भी नहीं सकता। रेसिडुअल इंटरेस्ट। और आप जानते हो यही रीजन है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इक्विटी को सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इक्विटी रिस्की इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी के लिए वो एक रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, कंपनी के लिए वो एक बचा हुआ वैल्यू रहता है, कि मतलब अगर बचेगा तो देंगे, अगर कंपनी बंद हो गई तो। आई मेरी बात समझ में?
क्लियर हुआ कि नहीं? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी। तो जो भी ओनर का पैसा होता है वो हमेशा एंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप इसको दूसरे अलग तरीके से ले लो, जैसे अंशिका। अंशिका ने सोचा कि मैं एक बिजनेस करूंगी, ठीक है ना? अंशिका ने सोचा कि मैं एक बिजनेस करूंगी, तो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लगाए उसने अपने बिजनेस में, 10 लाख रुपए लगाए। अब उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए तो लगाए, पर उसको 10 लाख रुपए कम पड़े, तो उसने जय सर से पैसे मांगे, उसने जय सर से 20 लाख रुपए मांगे, ठीक है ना? उसने उसने समर्थ से मांगे, शिवम से मांगे, पारुल से मांगे, मुकुल से मांगे, प्रिंकल से मांगे, उसने सबसे पैसे मांगे, लोन लिया, पर उसने अपना पैसा भी लगाया 10 लाख रुपए, और उसने सबसे लोन लिया 70-80 लाख रुपए का। किसी कारण से अंशिका का बिजनेस नहीं चला और अंशिका को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अंशिका अपना अगर बिजनेस बंद करेगी तो उसके असेट्स को उसको बेचना पड़ेगा ताकि वो सबको सेटल करे। तो अब मुझे बताइए, क्या अंशिका सब अपना जब बिजनेस बंद करेगी और सेटलमेंट करेगी तो क्या सबसे पहले वो अपना पैसा अलग करेगी? क्या एक प्रोपराइटर सबसे पहले अपना पैसा अलग करेगा कि अपने, वो बोलेगा कि भैया मेरा तो ठीक है, मैं तो नुकसान सह लूंगा, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि मैं देखूं कि अंत में मेरे पास कितना बचा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब एक ओनर आउटसाइड लायबिलिटीज को पहले सेटल करता है, बोलता है ठीक है मेरा तो जो होगा देखा जाएगा, मैं सबको पहले के दे दूं, इसका मतलब आप समझो उस चीज को कि वो एक रेसिडुअल इंटरेस्ट मान के चलता है। आई बात समझ में कि नहीं? सो बेसिकली बिजनेस इक्विटी को रेसिडुअल इंटरेस्ट मान के चलता है कि भाई तू तो घर का है ना, इसको आप यूं कह सकते हो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब इक्विटी जो है ना, जो 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 कंपनी होती है, जो एंटिटी होती है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस इक्विटी को एज अ घर की मुर्गी दाल बराबर मान के चलता है कि तू तो घर का आदमी है, तू तो अपना आदमी है, तेरे को अगर बाद में भी तू देंगे तो चलेगा, तेरे लिए कम भी बचेगा तो चलेगा, तेरे लिए ज्यादा भी बच सकता है। आई बात समझ में? क्लियर? आई मेरी बात समझ में? सो इट इज व्हाट वी कॉल इक्विटी। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बच्चों कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आई होप वो कॉन्सेप्ट आपने शायद पहले कभी सोचा नहीं होगा। पढ़ा तो सब कुछ है पर आपने उस तरीके से उसको सोचा नहीं होगा लॉजिकली, जो मैं आपको कल समझाने वाला हूं। तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की क्लास में हम कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ दो चार बातें इंपॉर्टेंट अच्छी ऐसी करेंगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। कल की क्लास मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? ठीक है, तो कल की क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, राइट? अगर आपको और कोई डाउट हो इस पॉइंट्स के रिगार्डिंग तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, अदरवाइज हम वो अपनी आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। अच्छा, आज डीटी की क्लास रहेगी क्या? यस, आज डीटी की क्लास रहेगी। कल से लेकर आपका शेड्यूल बदल जाएगा, कल से लेकर, फ्रॉम टुमारो। अच्छा, ये सिर्फ ना लाइव वाले बच्चों के लिए, रिकॉर्डेड वाले बच्चे जो है, रिकॉर्डिंग क्लास अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपका जो कॉस्टिंग का लेक्चर होगा वो सुबह आई थिंक 8 AM पे होगा या फिर 8:30 पे होगा। प्लीज आप उसको दर्शन सर से कंफर्म कर लीजिएगा, वो आपको अगर उन्होंने हो सकता है बताया भी हो। क्या दर्शन सर ने आपको कल का कोई शेड्यूल बताया क्या? क्या दर्शन सर ने आपको कोई शेड्यूल बताया क्या? दर्शन चंडारिया सर ने? आठ बजे, वेरी गुड। तो कल आपका 8 बजे रहेगा, उसके बाद आपका लॉ रहेगा। मेरे हिसाब से लॉ रहना चाहिए आपका, आपका लॉ रहना चाहिए आई थिंक 10 या 10:15 बजे से, आपका 10-10:15 बजे से लॉ रहना चाहिए। अकाउंट्स आपका रहेगा 12 बजे, 12 noon, और डीटी रहेगा आपका 2 बजे, 2 PM, ठीक है ना? तो 10 या 10:15 बजे के आसपास कल से आपका लॉ भी शुरू हो रहा है, ठीक है? एक बात तो ये। दूसरी बात, कल मेरा अकाउंट्स का सेशन बिल्कुल मिस मत करना। आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है रिगार्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से करते हैं, और आपके साथ में आपके साथ बहुत दूसरी चीजें भी डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होंगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद और क्या सर आपको बाकी अगर कोई डाउट नहीं है तो चलो ठीक है, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई और कुछ चीज पूछनी है लेक्चर से रिलेटेड नहीं हो, अगर आपको क्लासेस परचेज करने से रिलेटेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है यहीं पर, चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा पे अगर आप हैं तो मुझे जरूर फॉलो करिएगा, और यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करके चलो, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज़।